नमस्कार दोस्तों, इस प्लान की डिटेल आपके स्क्रीन पे मिल जाएगी। ये हमारे क्लाइंट हैं बेसिकली जो यूपी लखनऊ से बिलोंग करते हैं। इनका फ्रंट जो है 28 फीट और टोटल गहरान जो है वो 18 फीट 28x18 में प्लान बना हुआ है। फ्रंट एंड बैक में ओपन है, बैक साइड में अकेले नाला है तो यहाँ बैक साइड में भी विंडो आपका वो ओपन हो जाएगा दोस्तों। बाकी लेफ्ट और राइट में प्लाट क्लोज है दोस्तों। हमने इसमें ग्राउंड फ्लोर पे एक शॉप और 1 BHK बनाया है विद कार पार्किंग। फर्स्ट फ्लोर पे 2 BHK का सेट बनाया है दोस्तों। ये आपको फ्रंट में शॉप मिल जाएगी 28 फीट फ्रंट में। यहाँ पे आपका एक टॉयलेट बाथरूम जो कि बाहर, इसका विंडो यहाँ फ्रंट पे ओपन होगा। ये आपका मेन गेट है, यहाँ से आपकी कार वगैरह एंट्री हो जाएगी। ऊपर आप ग्रिल वगैरह का डिजाइन आप देख सकते हैं। छज्जा हमने 3 फीट बाहर निकाला है, इस तरीके से आप देख लीजिए। और यहाँ पे किनारे पे आपको कुछ इसी तरीके से इसी पैटर्न पे आपको डिजाइन वगैरह मिल जाएगा। पैरापेट वॉल की बात करें तो यहाँ पे ग्रिल का यूज किया गया है। ये जो छज्जा है ये 3 फीट आपका आगे इस तरीके से आपको ईंट से आप इस डिजाइन को बना सकते हैं दोस्तों। 3 फीट छज्जा बाहर निकालने से थोड़ा सा लुक जो है थोड़ा लुक इनहेंस हो जा रहा है। मकान के यहाँ पे 2 फीट ऊपर रखा गया है, यहाँ पे आपकी कार पार्किंग एंट्री हो जाएगी। इस तरीके से आप देख लीजिए, आपका कार पार्किंग एरिया हो जाएगा। कार पार्किंग का साइज की बात करें तो 8 फीट 6 इंच × 13 फीट 6 इंच आपका साइज रखा गया है। छोटी हैचबैक कार आराम से पार्क हो जाएगी। ये टॉयलेट बाथरूम, इसका दरवाजा जो कि बाहर से दिए गए, टॉयलेट और बाथरूम दोनों कंबाइंड इसी के साथ बनाया गया है। साइज की बात करें तो 7x4 है। वॉल पे आपको टाइल्स वगैरह इस तरीके से आपको मिल जाएगी। ऊपर आपको सीलिंग लाइट सीलिंग में आपको इस तरीके से मिल जाएगी। इसका वेंटिलेशन फ्रंट विंडो के थ्रू हो जाएगा दोस्तों। ये आपका रहा मेन गेट, यहाँ से आप एंट्री करेंगे। इसको चाहे तो आप रेंट पर्पज से भी दे सकते हैं, हर फ्लोर को रेंट पर्पज से भी आप दे सकते हैं। इस तरीके से बनाया गया दोस्तों। ये आप जैसे एंट्री करेंगे तो आप हॉल एरिया में एंट्री करेंगे 7x5 फीट 10 इंच का। यहीं पर ओपन किचन बनाया गया है, 7x6 फीट का आपका ओपन किचन इस तरीके से बनाया गया दोस्तों। रैक वगैरह देख लीजिए, इसका वेंटिलेशन बैक साइड विंडो के थ्रू हो जाएगा। ये रहा आपका एक बेडरूम जो आपको दिखाया गया दोस्तों। ये बेडरूम है 11 फीट × 8x6 8 फीट 6 इंच का आपका ये बेडरूम है। छोटा है लेकिन ठीक ठाक साइज आपको मिल जाएगा दोस्तों। इसमें टीवी का प्लेसमेंट है, विंडो जो है बैक साइड जो नाला एरिया है वहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा। ऊपर आपको सीलिंग लाइट सीलिंग फैन वगैरह आपको इस तरीके से इस पैटर्न इस लुक पे आपको मिल जाएगा दोस्तों। दुकान की साइज की बात करें तो 11x11 फीट × 7 फीट 8 इंच का साइज रखा गया है। फर्स्ट फ्लोर पे हमने सेम टू सेम प्लान रखा गया है। ये आपका स्टेप इस तरीके से रहेगा, स्टेयर को 3 फीट वाइड में रखा है तो आपको स्टेयर में कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। फर्स्ट फ्लोर पे हमने एक छोटा सा चेंजेस किया है, दुकान को चेंज कर दिया है एक रूम में। तो फर्स्ट फ्लोर पे आपको 2 रूम मिल जाएगा, दुकान की जगह भी एक रूम आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 3 फीट छज्जा देकर के बालकनी बना दी गई है, 6 फीट वाइड आपको बालकनी मिल जाएगी। और इस टॉयलेट बाथरूम का जो दरवाजा है बालकनी से ही दिया गया है। अगर आप चाहें तो इसका दरवाजा हॉल से भी आप देख सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन है दोस्तों। ये आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो हॉल से भी आप इस दरवाजे टॉयलेट बाथरूम का दरवाजा दे सकते हैं। साइजेस यहाँ भी सेम है, वही ग्राउंड फ्लोर का। हॉल का साइज जो है आपका 7x5 फीट 10 इंच का, किचन का साइज है 7x6 का। ये दोनों बेडरूम का साइज सेम है, जैसा ग्राउंड फ्लोर का साइज सेम है उसी तरीके से बनाया गया है। इसका बेडरूम का साइज है 11x8.5 फीट का, 11x8.5 का आपका साइज रखा गया है। विंडो सेम है, बैक साइड में विंडो ओपन होगी जो कि आपका नाले साइड में आपका ओपन होता है दोस्तों। इसके बगल बात करें तो ये आपका दूसरा बेडरूम हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जो दुकान है उसको ऊपर रूम में कन्वर्ट कर दिया गया है, इस दुकान को ऊपर रूम में हमने चेंज कर दिया है। ये आप देख लीजिए, इसका भी साइज सेम है, वही सेम 11x7.7x8 इंच का साइज है। जैसा कि ग्राउंड फ्लोर की जो शॉप का साइज है वही फर्स्ट फ्लोर पे रूम का साइज है, क्योंकि एक्चुअली 28x18 बहुत एरिया नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमने इसको बनाया है, आप देख सकते हैं इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया है। इसको आप बनवा सकते हैं, अगर आपको कोई मकान हमसे बनवाना है तो नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और यार वीडियो लाइक करें, दोस्तों को जरूर शेयर करें, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में बहुत सी मेहनत लगती है दोस्तों। तो लाइक करने में यार कुछ नहीं जाता, प्लीज लाइक कर दिया करें। और ये रहा आपका फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पे आप इस तरीके से आपको पूरा डिजाइन मिल जाएगा। ये आपका मम्टी रूम है, मम्टी रूम मतलब गुमटी रूम हो गया। इस तरीके से मम्टी वगैरह का आपका डिजाइन रहेगा। ये आपका इस तरीके से डिजाइन वगैरह का पार्ट इस तरीके से, अभी इसका मैं सेक्शन प्लान भी डिस्कस करूंगा, आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और ये इस तरीके से डिजाइन हो गया आपका। सेक्शन प्लान की बात करें तो ये आपका मेन गेट हो जाएगा, मेन गेट से आप एंट्री करेंगे इस तरीके से आप देख लीजिए। मेन गेट से जैसे आप एंट्री करेंगे तो आपका कार पार्किंग हो गया, यहीं पे ही सीढ़ी वगैरह आपको इस तरीके से दिया गया है दोस्तों।
ये इस साइड में आपका देख सकते हैं, ये आपका एक हॉल एरिया हो गया, इधर टॉयलेट बाथरूम आपको मिल जाएगा इस साइड में, जस्ट देख सकते हैं। और ये आपका हॉल और किचन दोनों कंबाइंड है, ओपन ही रखा गया है। और ये आपका एक बेडरूम और फ्रंट साइड में एक शॉप आपको इस तरीके से मिल जाएगा। ये रहा आपका ग्राउंड फ्लोर का पूरा प्लान, ठीक है। अभी चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको मिल जाएगा 28/18 में। और फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो एक छोटा सा चेंजेस है, दुकान की जगह पर एक दूसरा रूम बना दिया, फ्रंट पर 3 फीट वाइड देकर के एक बालकनी बना दिएगा, बाकी सारा कुछ सेम है। तो इस तरीके से प्लान का डिटेल है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को जरूर शेयर करें, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में बहुत सी मेहनत लगती है दोस्तों। तो लाइक करने से कुछ नहीं जाता, लाइक करके हमको मोटिवेट करें, हमको हेल्प करें दोस्तों। मिलते हैं दूसरे वीडियो, तब तक के लिए विदा लेता हूँ, धन्यवाद दोस्तों।